हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं निखिल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज मैं लेके आया हूं एक आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल, और इस आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में हम लोग क्रिएट करेंगे एक एनिमेटेड मोशन पोस्टर डिज़ाइन, वेल एनिमेशन। सो मैंने पहले सोचा था कि ये एक फोटोशॉप ट्यूटोरियल होगा जिसमें हम लोग एक पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, बट फिर डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये एनिमेटेड अगर होगा तो दिखने में थोड़ा और बेटर लगेगा, और आफ्टर इफेक्ट्स तो भाई एक खतरनाक खिलाड़ी है ही। तो बेसिकली एनिमेशन ऐड करने के बाद चीज़ें थोड़ी और अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा इससे एक एनिमेटेड मोशन पोस्टर में कन्वर्ट करते हैं और क्रिएट करते हैं। काफ़ी अच्छी टेक्निक्स आपको सीखने मिलेंगी, स्पेशली अगर आप आफ्टर इफेक्ट्स में नए हो तो आपके लिए ये ट्यूटोरियल बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा 3D में घुसेंगे, ज़्यादा नहीं बट इतना जिससे हमारा जो फाइनल आउटपुट है वो काफी ज्यादा अमेजिंग हो जाएगा। तो इसी के साथ चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सो गाइज यहां पर है हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक न्यू कॉम्पोजिशन। मैं से नाम दूंगा रेंडर, और जो साइज मैं लूंगा वो होगा 1200 बाय 1200, क्योंकि हम लोग एक स्क्वायर पोस्टर बना रहे हैं। फ्रेम रेट 30 पे रखूंगा और ड्यूरेशन 10 सेकंड्स, क्लिक करूंगा ओके पर। फिर मैं बनाऊंगा एक और कॉम्पोजिशन जो होगा हमारा मीडिया प्लेस होल्डर, जहाँ पर हम जो भी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहे वो कर सकते हैं। और इस बार इसका जो विड्थ है वो मैं कम करूंगा और उसे सेट कर दूंगा 900 पर, तो हमें इस तरीके का एक कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए, इसे छोटा करके फिट कर देते हैं। आप जो भी इमेज लेना चाहो ले सकते हो बिंदास। और हाँ, मेरे पास कुछ एसेट्स भी है जो मैं यूज़ करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के लिए। ये आप सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर जाकर आप ये फ्री प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और अगर डाउनलोड कर ही रहे हो तो जाते जाते लाइक भी कर देना, बिल्कुल नहीं भूलना, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे इससे। यहाँ पर है हमारा मीडिया, यहाँ पर है मेन रेंडर कॉम्प, स्टार्ट करते हैं क्रिएट करके एक बैकग्राउंड से। जो पहला सेक्शन होगा हमारे ट्यूटोरियल का, उसमें हम लोग पूरा पोस्टर डिज़ाइन करेंगे, और फिर सेकेंड हाफ में हम उसे एनिमेट करेंगे। तो मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल वाई एक न्यू सॉलिड क्रिएट करने के लिए, इसे मैं नाम दे देता हूँ BG फॉर अ बैकग्राउंड। और इसमें मुझे कलर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं जाऊंगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में, वहां पर सर्च करूंगा फिल, और डबल क्लिक करके इस तरीके से फिल ऐड कर देंगे। और जो कलर मैं यूज़ करने वाला हूं, मेरे पास ऑलरेडी कलर कोड सिलेक्टेड है ताकि हम लोग कलर में ज़्यादा टाइम ना गवाएं, तो मैं सिंपली ये कलर कोड यूज़ करूंगा। अगर आप चाहो तो ये सेम कलर्स ले सकते हो, अगर आपको कोई और कलर लेना है, दूसरा कलर लेना है, तो आप वो भी ले सकते हो। फिर मैं प्लेस करूंगा हमारा मीडिया कॉम्पोजिशन, इसे छोटा कर देंगे, अराउंड दिस बिग शुड बी फाइन, 70% लुक्स परफेक्ट। फिर मैं जाऊंगा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूंगा, और जो भी आपका टेक्स्ट हो वो आप टाइप इन कर सकते हो। मैं टाइप करूंगा ट्रैवल एंड एक्सप्लोर, और इसे हम सेट कर देंगे वाइट पर। ऑल राइट, फिर मैं जाऊंगा यहां पर रेक्टेंगल टूल में, और फिल पे सेट करेंगे वाइट पर, और एक बॉक्स क्रिएट करूंगा कुछ इस तरीके से, और मैं इसे नाम दे देता हूँ बॉक्स, और इसके ऊपर मैं जो टेक्स्ट ऐड करूंगा वो होगा न्यू वीडियो, इसे हम रखेंगे फुल कैप्स पर। और जो कलर है वो मैं बैकग्राउंड का ही पिक विप कर लूंगा, छोटा कर लेंगे टेक्स्ट को, और यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर प्लेस कर देंगे, और कर्न इनको थोड़ा बढ़ा देंगे, इससे मैं अराउंड 18 पर सेट कर दूंगा। फिर मैं दोनों ही लेयर्स को सिलेक्ट करके अलाइन टूल में जाके इसे प्रॉपरली अलाइन कर दूंगा, तो काफ़ी सही लग रहा है। और फिर इस बॉक्स लेयर का मैं एक डुप्लीकेट बनाऊंगा, तो हिट करूंगा कंट्रोल डी, इसे हम दे देते हैं नाम लाइन, और इसे मैं पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, और यहाँ पर इस तरीके से मूव कर लेंगे, ठीक है। फिल को सेट करेंगे हम नन पे, और स्ट्रोक ऐड करेंगे 2 पिक्सल्स का, और फिर मैं ऐड करूंगा इस पे एक फिल कलर, और फिल कलर के लिए मैं लूंगा एक काइंड ऑफ हॉट पिंक, काफ़ी सही लगता है, एज यू कैन सी इट लुक्स प्रीटी नाइस। और अब जाके हम हमारे जो एलिमेंट्स है वो ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास जो एलिमेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप चाहो तो इसे फोटोशॉप में बहुत ही ईजिली बना सकते हो, बट मैंने टाइम बचाने के लिए इन्हें ऑलरेडी फोटोशॉप में क्रिएट करके रखा है,
तो हमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, क्योंकि अगर मैं ये क्रिएट करने में बताऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा ट्यूटोरियल हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि आप यही सेम एलिमेंट्स यूज़ करें, आप और भी काफ़ी सारे अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ कर सकते हो, जैसे आप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो, कोई अल्फाबेट्स ले लिए, नंबर्स ले लिए, तो अलग अलग स्टाइल के साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इन सभी को सबसे पहले तो प्लेस कर दूंगा जहाँ पर भी मुझे प्लेस करना है। और एक चीज़ मुझे ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमें इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को 3D में कन्वर्ट करना है, 3D लेयर्स में, सो वो हम अभी से स्टार्ट करेंगे कन्वर्ट करना। तो मैं सभी लेयर्स को 3D में कन्वर्ट कर दूंगा, और जो टेक्स्ट लेयर है पहले तो इसे हाइड कर देता हूँ, फिर मैं इन तीन लेयर्स को सिलेक्ट करूंगा जो कि है हमारा टेक्स्ट बॉक्स और लाइन, कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे, इसे मैं नाम दे देता हूँ बटन। ठीक है, फिर मैं इसे 3D में कन्वर्ट कर लूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, P प्रेस करूँगा, और इसकी जो पोजीशन है उसे मैं कैमरा के नज़दीक ले लूँगा। सो कुछ इस तरीके से, मैं थोड़ा और -400 के आसपास हम रख सकते हैं इसे, और फिर S प्रेस करके मैं इसे स्केल डाउन कर लूँगा, और फिर इस बटन को भी मैं प्रेस करूँगा P, और इसे मैं ले लूँगा करीब इस तरीके से कैमरा के, तो -300, और फिर S प्रेस करेंगे और इसे स्केल डाउन कर देंगे। फिर इसकी जो पोजीशन थी वहाँ पर मैं इसे प्लेस कर दूंगा, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया तो अराउंड 80% शुड बी फाइन। फिर मैं सेलेक्ट करूँगा हमारा फर्स्ट शेप, और इसे हम 3D में रखेंगे। अब इससे मुझे इस इमेज के पीछे रखना है, तो मैं P प्रेस करूँगा और इसे मैं पीछे ले लूँगा इस तरीके से। ठीक है, और बैकग्राउंड को 3D नहीं रखना है अभी के लिए, सब नॉर्मल रख दूंगा, सही है। और लेट्स सेट दिस टू अराउंड 1500, दैट शुड बी गुड, और S प्रेस करके स्केल डाउन करेंगे, तो कुछ इस तरीके से मैं इसे पोजीशन कर देता हूँ। ऑल राइट, फिर मैं सेलेक्ट करूँगा हमारा सेकेंड शेप, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, 3D में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैं प्रेस करूँगा P और इसे कैमरा के नज़दीक ले लूँगा, ताकि हमें अच्छा सा पैरेलैक्स एक मिले इन सभी एलिमेंट्स के साथ। तो -400 पे रखेंगे, S प्रेस करेंगी और इसे मैं काफ़ी छोटा कर लूँगा इस तरीके से, और फिर मुझे इन्हें जैसे भी प्लेस करना है, मैं काफ़ी इसे रैंडमली प्लेस कर रहा हूँ, बस मेक श्योर करना है कि वो अच्छा दिखे। अब जैसे भी इसे प्लेस करो, कॉम्पोजिशन जो है आपका वो बैलेंस दिखना ज़रूरी है। इसका एक डुप्लीकेट ले लोगे कंट्रोल डी प्रेस करके, ठीक है, इसे मैं यहाँ पर मूव कर दूंगा, फिर इस शेप को सिलेक्ट करूंगा, ऑल्ट होल्ड करूंगा और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, तो इससे क्या होगा कि ये रिप्लेस हो जाएगा, और फिर मैं इसका जो शेप है, साइज है सॉरी, वो छोटा कर दूंगा इस तरीके से, सही है। और फिर जो नेक्स्ट शेप है वो है ये ब्लॉब शेप, तो इसे भी मैं एक्चुअली पीछे रखने वाला हूँ, तो मैं इस शेप का डुप्लीकेट ले लूँगा कंट्रोल डी प्रेस करके, इसे यहाँ पर मूव कर लेंगे, और फिर इस शेप के साथ मैं रिप्लेस कर दूंगा, सही है। और फिर इस शेप का मैं फिर से डुप्लीकेट बना लेता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करके, यहाँ पर इसे मैं प्लेस कर दूंगा, और फिर इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा इस सर्कुलर शेप के साथ, और फिर मैं इसका साइज़ है वो बढ़ा दूंगा, और फाइनली ये जो शेप है इसे भी हम यूज़ कर लेते हैं, तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे अगेन, मैं इसे रखूँगा यहाँ पर और रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ, फिर स्केल डाउन कर सकते हैं, अराउंड 10% शुड बी फाइन आई थिंक, या ऑलराइट। सो हमारा जो कंपोजिशन है वो रेडी है, अब मुझे सिंपली इस पे फिल ऐड करना है, और जो कलर में लेना चाहता हूँ जो कि है हॉट पिंक, वो हम यहाँ पर इसमें ले लेंगे, फिर मैं सिंपली इसे कॉपी करूँगा और सभी शेप्स पे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी प्रेस करके। सिर्फ इन दो शेप्स का मुझे कलर वाइट रखना है, आप चाहो तो कोई और कलर भी ले सकते हो, मुझे लगता है कि वाइट और पिंक का कॉम्बिनेशन काफ़ी सही लगता है, तो इन दो शेप्स का कलर मैं वाइट रखूँगा, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है ओवरऑल, काफ़ी बैलेंस्ड लुक हमें मिल रहा है। अब हमें थोड़ी सी इसमें डेप्थ क्रिएट करनी है, तो अब हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे एक न्यू कैमरा, और मैं प्रीसेट सेलेक्ट करूँगा 50 mm, ओके पे हिट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू नल ऑब्जेक्ट, इसे हम नाम दे देंगे कैम कंट्रोल, इसे भी इसका जो एंकर पॉइंट है उसको मुझे सेंटर में अलाइन करना है, तो कंट्रोल होल्ड करके मैं डबल क्लिक करूंगा पैन बिहाइंड टूल पे, इससे एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा,
और फिर मैं इसे अलाइन कर दूंगा सेंटर में, फिर 3D में कन्वर्ट करेंगे और कैमरा को लिंक कर देंगे इस कैम कंट्रोल लेयर से। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दिखते तो आप यहाँ पर इस छोटी जगह पर राइट क्लिक कर सकते हो, कॉलम्स में जाओगे और पैरेंट एंड लिंक ऑप्शन को टर्न ऑन कर दोगे। अब क्या होगा, अब मैं इसे बहुत ही कूल वे में एनिमेट कर सकता हूँ। और अगर मैं अगर इसे इस तरह मूव करूँ तो आप देख सकते हो हमें बहुत ही अच्छा सा एक पैरेलैक्स मिल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। अब टेक्स्ट और इमेज के बीच में मुझे और थोड़ा सा पैरेलैक्स चाहिए तो मैं टेक्स्ट को और थोड़ा करीब ले लूँगा कैमरा से, सो माइनस अराउंड 800 समथिंग और फिर इसे मैं छोटा कर लूँगा। तो अगर अभी इसे मूव करूँ तो हमें काफ़ी अच्छा एक पैरेलैक्स मिल जाएगा, काफ़ी सही है। अब इसमें और मुझे थोड़ी डेप्थ ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं रैंडमली कुछ एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा, जैसे ये कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, इसे मैं ऊपर ले लूँगा और इसका जो कलर है लेयर का हम चेंज करके कुछ और रख देंगे ताकि हमें पता रहे ये अलग एलिमेंट्स है। फिर इस पर मैं पी प्रेस करूँगा और पोजिशन को काफ़ी करीब ले लूँगा, तो अराउंड लेट्स से -1000 और समथिंग यहाँ पर प्लेस करेंगे। स्केल भी कर सकते हैं थोड़ा अगर मैं चाहूँ तो, कुछ इस तरीके से सही रहेगा। और फिर मैं जाऊँगा इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में, सर्च करूँगा फास्ट ब्लर या फास्ट बॉक्स ब्लर, ऐड करेंगे इस पर अराउंड मे बी 20 बहुत ज़्यादा है, 15 सही रहेगा। तो अब देख सकते हो हमारे पूरे सीन में हल्का सा एक डेप्थ और ऐड हो गया है, ऐसा लग रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है लग क्या रहा है, ये जो एलिमेंट्स है ऑब्वियसली कैमरा के क्लोज है तो ब्लर्ड आउट है, वो फोकस में नहीं है। फिर मैं इसको एक डुप्लीकेट ले लूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करके एक एलिमेंट में यहाँ पर भी रख सकता हूँ और फिर इसे मैं चेंज कर दूंगा किसी और एलिमेंट के साथ। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल इसके साथ इसे रिप्लेस कर देता हूँ तो बहुत ही कूल लुक हमें मिल जाता है। इसका जो ब्लर अमाउंट है वो थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, फिर इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे और एक डुप्लीकेट ले लेंगे और इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर दूंगा। फिर इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा किसी और शेप्स के साथ तो ये सही रहेगा, तो हमें बहुत ही कूल सा एक ओवरऑल सीन मिल जाता है। अब चलिए इसे जाके हम एनिमेट करते हैं। तो अराउंड जाते हैं 2 सेकंड्स पर, सिलेक्ट करेंगे कैम कंट्रोल, हिट करूंगा पी पोजीशन प्रॉपर्टीज के लिए, क्रिएट करूंगा एक की फ्रेम, जाऊंगा एट द वेरी स्टार्ट और इसे मैं नीचे मूव कर लूंगा। तो शिफ्ट होल्ड करके भी मैं अगर मूव करूं तो हमें ये बहुत ही सही सा एनिमेशन मिल जाता है जो काफ़ी कूल लग रहा है मुझे। अब मैं सेलेक्ट करूंगा इन की फ्रेम्स को, F9 प्रेस कर सकते हैं या तो राइट क्लिक करेंगे की फ्रेम असिस्टेंट इजी ईज, जाऊंगा ग्राफ एडिटर में, राइट क्लिक करूंगा और सिलेक्ट करूंगा एडिट स्पीड ग्राफ, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो कुछ यहां पर इस तरीके से मैं एक माउंटेन सा शेप बना लूंगा कर्व्स में ग्राफ एडिटर में और फिर हमें ये बहुत ही मस्त सा एक एनिमेशन मिल जाता है। और फिर हमें क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे एक न्यू नल ऑब्जेक्ट, इसे मैं नाम दे देता हूँ जूम, ठीक है, और इसको भी मैं सेंटर में प्लेस कर दूंगा इस तरीके से। और फिर सिंपली हमें क्या करना है, इसे 3D में कन्वर्ट करना है और इस कैम कंट्रोल लेयर को हमें इस जूम नल ऑब्जेक्ट से लिंक कर देना है। अब मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, एस प्रेस करूंगा स्केल के लिए, यहाँ पर जाएंगे अराउंड 1 सेकंड पर, क्रिएट करेंगे की फ्रेम, जाएंगे 10 सेकंड्स पर और फिर मैं इसे जूम इन कर दूंगा। तो अब जब ये एनिमेट होके अंदर आएगा उसके बाद हमारे पास ये बहुत ही अच्छा सा एक जूम एनिमेशन होगा। बट इसे और थोड़ा सा रियल बताने के लिए या एक रियलिस्टिक फील डेवलप करने के लिए हम ऐड करेंगे एक सिंपल सा विगल एक्सप्रेशन। तो उसे ऐड करने के लिए मैं सेलेक्ट करूंगा जूम लेयर को, प्रेस करूंगा पी, ऑल्ट होल्ड करके स्टॉपवॉच पे क्लिक करेंगे और फिर ऐड करेंगे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन विगल एंड ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट और इसमें हम प्रॉपर्टीज डालेंगे 1.5.5 की। तो इससे हमें काइंड ऑफ एक हैंड हेल्ड कैमरा का फील मिल जाएगा। सो जैसा कि आपको दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है और बेसिकली इतना ही है, दैट इज़ हाउ यू कैन क्रिएट
यूर अमेजिंग मोशन पोस्टर एनिमेशन। अब आप चाहो तो इसका आउट एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, कैम कंट्रोल को सिलेक्ट करूँगा, यू प्रेस करूँगा, क्रिएट करूँगा की फ्रेम, जाऊँगा अराउंड 10 सेकेंड्स और इससे किसी और डायरेक्शन में या ऊपर इस तरीके से मूव कर लेंगे आउट ऑफ द फ्रेम। सो हमें मिल जाएगा ये बहुत ही मस्त एनिमेशन। अब इसका ऑब्वियसली हमें जो ग्राफ है वो थोड़ा ट्वीक करना होगा, तो यहाँ पर जाएंगे और इससे भी मैं सेंटर में इस तरीके से मूव कर लूँगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है, वो है टर्न ऑन करना है मोशन ब्लर। तो इन सभी लेयर्स को मैं कंट्रोल ए क्लिक करके सेलेक्ट कर लूँगा, मोशन ब्लर ऑन कर दूँगा और अभी जो हमें मूवमेंट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा और स्मूथ दिखेगा। तो मोशन ब्लर ऑन करने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं एनिमेशंस और जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ आप कर सकते हो कि अगर आपको इमेज नहीं यूज़ करना तो आप एक वीडियो भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास एक वीडियो है, मैं इसे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसे इस तरीके से ऐड कर दूंगा, मेक श्योर करना है कि सब सही दिख रहा है। ओके, सो बहुत ही कूल लग रहा है। और अगेन आप पूरा जो डिज़ाइन है उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये ट्रैवल और एक्सप्लोर कम लग रहा है, ज़्यादातर फैशन से रिलेट कर रहा है। तो मैं इसे नाम दे देता हूँ फैब फैशन, समथिंग लाइक दैट। सो इसे आप अलग अलग वेज में यूज़ कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो थोड़ा बहुत और देखो आप कैसे टाइप के डिज़ाइन इसके साथ क्रिएट कर सकते हो। अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ करो, अलग अलग शेप्स यूज़ करो और अगर आप इसे ऑनलाइन पे कहीं पे भी अपलोड करते हो तो मुझे टैग ज़रूर करो। सो दैट इज़ अ रैप फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यार आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को। एम करते हैं 1000 लाइक्स का। मैंने लास्ट वीडियो में 1000 लाइक्स का एम रखा था, आप लोगों ने 2000 लाइक्स कर दिए, तो आई एम श्योर ये भी एम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स वीडियो बहुत पसंद है, आप एक मोशन डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो मेरा जो मेन चैनल है डोप मोशंस, आप उसे जाके भी फॉलो कर सकते हो। उस पर अराउंड 400-500 अमेजिंग मोशन ग्राफिक ट्यूटोरियल्स है, इंग्लिश में है पर वो। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे रॉ, स्टे क्रिएटिव, पीस आउट।